तो देर आर टू थ्योरम्स, ठीक है, जिसकी हेल्प से वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। सो फर्स्ट थ्योरम को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, किसी को आइडिया है क्या होता है परपेंडिकुलर? भाई तुम्हारे स्कूल के अंदर ये चैप्टर हो चुका है सर, क्यों? स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ ये? ये हटा दिया है सीबीएस। अच्छा 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 रहता है ना। हाँ हाँ नहीं तो इस बार है नहीं क्या सिलेबस में? हटा दिया, मतलब हटा हटा दिया दिया सर। नहीं इस बार हुआ ना, सीबीएसई ने और स्टेट ने काफी चैप्टर्स अपने हटा दिए सिलेबस से। ये वाला एक हमें तो करवाया था सर, लेकिन ये पार्ट हटा दिया है। यस भाई करवाना पड़ेगा ही, अगर करवाओगे नहीं सर, हमारे स्कूल में करवाया था हमें भी। अच्छा ठीक ओके। अब ये जो है उसका मैं बताता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस। सो सपोज देयर आर टू एक्सिस, वन एक्सिस इज दिस, वन एक्सिस इज दिस, एंड द एंगल बिटवीन दीस टू एक्सिस आर 90 डिग्री। सपोज इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इन अ सेम प्लेन, सो वी विल से वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है। सपोज देयर इज ए ऑब्जेक्ट, ये एक मास है, स्मॉल मास, पॉइंट मास बोल दिया मैंने, पॉइंट मास एम। और सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या होता है? इफ ए पॉइंट इज हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसका मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस? एक्स। ओके, वाई एक्सिस से जो इसका जो होगा ना डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स होगा। और एक्स एक्सिस से इसका जो है ना डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? वाई। बिकॉज माय ऑब्जेक्ट इज इन द सेम प्लेन, उसके पास में जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि आई एक्स, इसका मतलब वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक पॉइंट मास जिसका मास है एम, उसका एक्स एक्सिस से अपना डिस्टेंस कितना है? सर वाई। वाई, तो क्या बन जाएगा? एम इनटू सर एम वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस मास तो एम हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट मास फ्रॉम वाई एक्सिस? एक्स। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। Now I will find a axis which is passing through the intersection of these two axes. तो intersection यहाँ पे आएगा origin पे, and which is perpendicular to the plane of these two axes. So I will say z axis is an axis passing from intersection x and y and perpendicular to plane of x y axis. Yes, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरा z axis है वो कहां पे होगा? यहां कहीं होगा ना z axis, तो ये वाला। हाँ ये वाला। तो हम इसको ऐसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो हमको कौन दिखेगा नहीं वो? तो सपोज एक ये इस टाइप का अपना स्टैंडर्ड वो बनाता हूँ, बॉक्स जैसा हमेशा बनाते हैं अपने 3D ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए। ये लो, तो सपोज ये मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, एंड दिस इज माय जेड एक्सिस, एंड आई हैव ए पॉइंट जो कि एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है तो यहाँ पे होगा पॉइंट, उसका डिस्टेंस ये हो गया और ये हो गया। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा जेड एक्सिस से? अगर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट रख दूँ ये वाला, ये देखो इसका, तो इसका डिस्टेंस ये आएगा ना जो हाइपोटेनियस होगा, तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इफ आई कैलकुलेट आई जेड, तो मास कितना है एम, वॉट इज द डिस्टेंस? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर होता है
तो क्या बन जाएगा m x square plus m y square. So I z will become I y plus I x. This is my perpendicular axis theorem. तो perpendicular axis theorem क्या बोलती है देखो यहाँ पे. If there are two axes which are in the same plane of my object, object भी उसी plane में होना चाहिए. So if I know the moment of inertia about these two axes जो कि उसी प्लेन में है, then iz the third axis which is passing through the intersection of that point n perpendicular to the plane, तो उसके अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी समेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल बताता हूं. जैसे ये तुमको एक स्क्वायर शीट दिया हुआ है मैंने, तो कुछ ऐसा होता है स्क्वायर शीट. सपोज मास है इसका m, साइड है इसका l, स्क्वायर शीट है. बताओ इस एक्सिस के वॉट में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये वाला सपोज इसके वॉट मैंने बोला आई वन, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई वन. स्क्वायर शीट का हमने किया था ml square by 3, क्योंकि सारे के सारे बनेंगे रॉड जिनका जो लेंथ है दैट इज l, तो क्या बन जाएगा ml square by 3. अब सपोज ये जो एक्सिस है ये वाला एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया आई टू. So what will be I2? Same. Because same. Square है, तो ml square by 3. तो because अब ध्यान से देखो, Ix, I1 and I2. तो मैं कह सकता हूँ ना कि I1 and I2 are in same plane. Yes. Yes. Object. तो ये तो हो गया point one, point two. Object. Object is also in I1, I2 plane. Yes. Object yes. मेरा उसी plane में है जिस plane में ये दोनों है. So if I get a third axis, ये वाला axis I3. So I3 is perpendicular to plane of I1, I2. ये है. So if I want to calculate the moment of inertia about I3, तो मुझे I1 का पता है, मुझे I2 का पता है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. तो मतलब कि I3 क्या बन जाएगा, I1 plus I2, so it will become 2 ml square by 3. तो बताओ क्या हमारे अभी तक के फॉर्मूलो की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे. Yes. जो हमारे अभी तक के फॉर्मूले हैं उसकी हेल्प से आई थ्री को नहीं कैसे कैलकुलेट करते नहीं, 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 कर सकते नहीं, नहीं. जो हमारे जो जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उनकी हेल्प से हम इनको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक न्यू थ्योरम यहाँ से वो किया. और दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टार मार्क के लिखो दिस थ्योरम. सर आई वन और आई टू हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए. यस भाई, हमारे आई वन आई टू परपेंडिकुलर होंगे तो ही तो ये जो अपना डिस्टेंस आएगा वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं. इसीलिए तो इसका नाम ही वही है परपेंडिकुलर से. तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लेमिनार ऑब्जेक्ट. अब लेमिनार ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बताओ. 2D प्लेन, और यू कैन से 2D ऑब्जेक्ट्स. अगर तुम चाहो स्फेयर के अंदर इसको लगा दो तो नहीं, क्योंकि स्फेयर के अंदर तो तुम्हारा जो स्फेयर है वो ना उठा हुआ है ना उस प्लेन से, तो फिर मैं कैसे निकालूं, है ना. जैसे चलो और करो. अब इसका एक और दूं तुम्हारे पास प्रूफ दूं एक. सपोज हमारे पास एक ये है ना रिंग है, रिंग इसका इस वाले एक्सिस के अबाउट में कितना आया था, हमने इंटीग्रेट करके निकाला था mr square. mr square i1 हमारे पास में आया था mr square. अब मुझे बताओ ये मेरे पास में
ये रिंग है, इसके वॉट में कितना आया था? MR square by 2. सर MR square by 2. अगर मैं एक और ले लूं डायमीटर, इसके वॉट में कितना आया था? MR square by 2. Yes? भाई मेरा अब एक एक्सा एक्सिस जो कि इन दोनों केयर परपेंडिकुलर है और ऐसा है बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसके अबाउट में कितना होना चाहिए? तो मैं लिख सकता हूँ ना कि आई वन क्या बन जाएगा, एमआर स्क्वायर बाय टू प्लस एमआर बाय टू. ये देखो, तो मतलब हमारा जो हमने इंटीग्रेट करके जो किया था वो भी सही है, और उसी चीज को हम इससे भी कर सकते थे. तो हमारा हो गया ना? हाँ सर. तो हमारा जो जो हमारे पास थ्योरम है दैट इज करेक्ट, क्योंकि सेम चीज तो हमने इंटीग्रेट करके भी कैलकुलेट की थी. ठीक है, चलो और आओ. सपोज मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट है, ये साइड है ए, ये साइड है बी. ठीक है, मुझे इस एक्सिस के वॉट में निकालना है, ये एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है, पासिंग फ्रॉम COM एंड परपेंडिकुलर टू प्लेट, मास एम दिया हुआ है. चलो बताओ क्या आएगा, इसे ओ बोल दिया, इसको आई ओ निकाल. चलो करो. तो देखो ये जो लाइन है इसको सपोज मैंने बोल दिया I1, I1 is the line जो कि center of mass से पास हो रही है into the plane, तो कितना बन जाएगा m a square by 12. ये जो लाइन है दूसरे वाली, इसके लिए क्या बन जाएगा m b square by 12, क्योंकि center of mass से पास हो रहा है ना रॉड के, और इन दोनों ये जो लाइन कैसी है परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरा लग जाएगा. तो मैंने और लगा दिया. और आओ, सपोज एक स्क्वायर है मास एम साइड ए, ये स्क्वायर बना हुआ है शीट, ये मेरे पास में. मुझे ये बताओ एक ऐसा एक्सिस है जो कि ये है, इसके अबाउट में तुमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ क्या होगा? कोई भी रैंडम एक्सिस है सर. रैंडम एक्सिस, सपोज इसने यहां से ये एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड इनटू द प्लेन. मैं पूछ नहीं वाला था सर आपको ये, पासिंग फ्रॉम COM एंड इन द प्लेन ऑफ शीट, जो एक्सिस जो है उसी प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. The city.
चलो चलो सॉल्व करो जल्दी से। अभी कोई आंसर बताएगा? किरण प्रणव प्रणव राव माइक ऑन करो सर। बताओ क्या आंसर आएगा? तो आप करने नहीं हो रहे सर। हाँ तो पहले तो ये सोचो कि अप्रोच कैसे, तुम बताओ कि ये जो पॉइंट है क्या इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है? तो इस क्वेश्चन को मैं पहले मैं ऐसे अपने अप्रोच करूंगा, देखो कि सपोज ये मेरे पास में एक स्क्वायर शीट है, ये जो एक्सिस है, क्या मुझे इस लाइन के अबाउट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है? इसको सपोज मैंने ये बोल दिया, आई नॉट बोल दिया, बता सकते हो आई नॉट क्या होता है? आई नोट क्या आएगा? आई नोट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था, मैं लिखूंगा कि आई नो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस, कि एक एक्सिस तो ये वाला ले लिया अपने इनटू द प्लेन और एक एक्सिस ये वाला ले लिया इनटू द प्लेन, इसके अबाउट कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके अबाउट भी एम ए स्क्वायर बाई 12 क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो आई नॉट क्या बन जाएगा? आई नॉट इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज एक्सिस विच आर इनटू द प्लेन, सो इट विल बिकम एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12, तो क्या बन जाएगा आई नॉट एम ए स्क्वायर बाई 6 एम ए स्क्वायर बाई 6, ये मुझे पता है अब, राइट? अब देखो अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले उसके ऊपर आ गया क्वेश्चन पे, ये मैंने एक ऐसा एक्सिस लिया जो कि यहां से थीटा एंगल बना रहा था, अब मैंने एक और एक्सिस लिया जो कि इस लाइन के साथ में 90 डिग्री बना रहा है, तो बताओ वो एक्सिस कहां से पास होगा? बताओ बताओ वो यहां से पास होएगा ऐसे दो होगा कि नहीं होगा, या फिर और भी अगर थोड़ा अच्छे से बनाऊंगे? नहीं नहीं आउट ऑफ द प्लेन की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो इनटू द प्लेन की बात कर रहा हूं कि आई नीड टू फाइंड टू एक्सिस, पहले तो स्क्वायर शीट बनाया, ये मेरे पास में इसका सेंटर हो गया, मुझे दो एक्सिस बनाने हैं, एक एक्सिस तो मैंने ये वाला बना दिया, ये जो एक्सिस है इसने फेस वन नहीं साइड वन और साइड एन थ्री को कट किया, तो अगर मुझे एक लाइन और बनानी है विच इज अ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो वो कौन कौन से अपने साइड को कट करेगी?
टू एंड फोर को, राइट? तो वो ऐसे बनेगी। अब इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, अगर इसके अबाउट में मैंने बोला I1 है, इसके अबाउट में I2 है, तो कैन आई से कि I1 इक्वल टू I2 और नॉट? यस सर, सिमेट्री कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक है दोनों। अबे तुम ध्यान से देखो कि तुम पहले इसके ऊपर बैठ जाओ। तुमने इसके ऊपर बैठ के पूरे अपने डायग्राम को देखा, तुमको कैसा दिखा कि एक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है, एक और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर है, राइट? फिर तुम इसके ऊपर बैठ गए, तुमने देखा एक ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर, एक नीचे की तरफ। क्या दोनों सिनारियो तुम्हारे लिए आइडेंटिकल नहीं है? स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। अगर मैं उन डायगोनल को ना रोटेट कर दूं, तो क्या उसकी की जो सिमेट्री है वो ना बदल जाएगी? जैसे देखो, एक डायगोनल ये है, ये वाला ये है डायगोनल, और एक डायगोनल मेरे पास में ये वाला, ठीक है? ये डायगोनल मैंने बोला हम D1, ये मैंने बोला D2। D1 और D2 को मैंने होल्ड किया और इनको ना क्लॉकवाइज है ना रोटेट, नहीं इसको एंटी क्लॉकवाइज है ना रोटेट कर दिया मैंने थोड़ा सा। ये इतने एंगल से, सपोज ये इतने एंगल अपने थीटा से है ना रोटेट कर दिया मैंने, तो जो मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ वो है ना बन जाएगा ना। हाँ सर। तो बताओ क्या सिमेट्री में चेंज आया? नहीं, बिकॉज दिस इज स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल होता तो सिनारियो चेंज हो जाता, क्योंकि है ना, तो उसमें चेंज हो जाता है, इसमें नहीं होता। तो इसमें देखो, तो मैं बोलूंगा कि I1 एंड I2 मस्ट हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे बताओ, I1 के अबाउट भी सपोज मैंने बोल दिया कि I है, और इसके अबाउट भी मैंने बोल दिया कि I है, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर पॉइंट पे मैं जाऊंगा एक्सिस पे, तो आंसर कितना आना चाहिए उसका? तो मैं बोलूंगा कि आईओ जो है, इस पॉइंट को ओ बोल देता, आईओ क्या होना चाहिए? आई प्लस आई है ना, तो मतलब टू आई। तो आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? आई नॉट बाई टू, और हमको आई नॉट की वैल्यू पता है पहले से ही, तो आंसर क्या बन जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 12। तो यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि स्क्वायर में सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस हो, एनी एक्सिस, उसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम ए स्क्वायर बाई 12। सेम चीज तुम इसके साथ भी बोल सकते हो, तो रिंग के साथ भी। ये तुम्हारे पास में रिंग है, इसके सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सेस, कोई भी ले लो, एनी एक्सेस, तो हमेशा mr square by 2 ही है ना। mr square by 2, mr square by 2 क्यों हुआ? क्योंकि सारे के सारे जो लाइन थे वो सिमेट्रिक हैं। सेम थिंग विद स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक फिगर लाइक रिंग, इसलिए सारे के सारे एक्सेस विच आर पासिंग थ्रू द सेंटर, उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी सेम, ठीक है? हाँ भाई। ओके, तो अब मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो ठीक है, वो बाद में करते हैं। अब करते हैं सेकंड वाली थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? उसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, एंड ये जो थ्योरम है, दिस थ्योरम इज मोर पावरफुल एप्लीकेबल ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेमिनार होना चाहिए, 1D होना चाहिए, 2D होना चाहिए, कोई भी ले लो, सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज मोर जनरल। तो इससे पहले मुझे कुछ तुमको पॉइंट्स बताने हैं।
इसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखूंगा, यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले कुछ मैं तुमको चीजें बताता हूँ। पहले मुझे बताओ, ये मेरे पास एक कहते हैं सिस्टम है, एक मतलब वो है ना रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो अगर सपोज कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, एक मैंने पॉइंट ले लिया एम आई, मतलब स्मॉल मास ले लिया, इस एम आई का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो पोजीशन है वो मैंने बोल दिया आर आई, तो मुझे बताओ कि समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या होगा। बस जीरो। कितने लोग बोलते हैं जीरो होगा? हाउ मेनी आर सेइंग दैट इट विल बी जीरो? कम विद द लॉजिक, रेज हैंड। कितने लोग बोल रहे हैं जीरो होगा? आदित्य, आदित्य दूसरा आदित्य, नूतन, अभिगेल, क्या होगा? यस सर। ओके, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर वही डेफिनेशन ही है कि वहां से अबे तुमसे नहीं पूछ, अबे तुमसे नहीं पूछ रहा। अभिगेल बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है सेंटर ऑफ मास? सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है? होता नहीं है, वी कैन अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। यस सर, अज्यूम। ओके, और उसका इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन द स्पेस अबाउट व्हिच मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस हैज टू बी जीरो। यही था ना डेफिनेशन, याद है? मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है? जीरो। जैसे हम कहते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखूंगा तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना दिखेगा मुझे? जीरो। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देखूंगा, फोर्स देखूंगा, तो भी कितना आएगा? जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ही वही है। तो इट हैज टू बी जीरो बाय डेफिनेशन। बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट है इस वाली अपने इक्वेशन में? अगर डाउट है तो बता दो, प्रूव कर देंगे। बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, आपने इसको सीधा अप्लाई कर दिया। अरे बताओ तो प्रणव, अनादि, ठीक है, चलो सर एक बार प्रूव करो ना प्लीज। हाँ, मेरे को पता था एक ना एक तो निकलेगा ये सब कुछ। सपोज ये तुम्हारे पास में सेंटर ऑफ मास, ये तुम्हारे पास में कोई भी कोऑर्डिनेट, और ये यहाँ मेरे पास में ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट में इस पॉइंट का जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट है वो मैंने बोल दिया एक्स आई, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो मैंने बोल दिया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, या फिर ये बोल देता हूँ, रुको, आर बोल देते हैं, उसका कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया आर वन, यहाँ पे लिखा हुआ है एम वन, यहाँ पे एक और मास है एम टू, इसका कोऑर्डिनेट है आर टू, और इसका कोऑर्डिनेट है आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो क्या होता था डेफिनेशन, क्या होती है सेंटर ऑफ मास के? मैं लिखता हूं कि सी ओ एम is the point about which moment of all masses is zero. अब मैं center of mass के ऊपर बैठ गया हूं, मैं बोल रहा हूं इसके frame में जो moment है वो zero होना चाहिए, तो बताओ इसके frame में पहले वाले का जो आएगा coordinate क्या बन जाएगा?
मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वो क्या बन जाएगा आर वन माइनस आर सी ओ एम, है ना। और ये जो है इसका क्या बन जाएगा आर टू माइनस आर सी ओ एम, भाई कहते हैं रेफरेंस फ्रेम को समेशन कर दिया, अब इसके में जीरो होना चाहिए, इसके फ्रेम में मास का मोमेंट मतलब कि m1 into उसका कोऑर्डिनेट r1 minus rcom plus m2 into r2 minus rcom, ये क्या होना चाहिए जीरो। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में rcom, ये होता है ना। हाँ यही तो होता है, तो इसी इक्वेशन को मैं इसमें लिख सकता हूं। सो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन यही है कि मेरे अबाउट में, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ मासेस मतलब कि मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो और सबको समेशन कर दोगे तो दैट शुड कम आउट टू बी जीरो। तो यहां पे अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ले लिया, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सपोज मैंने बोल दिया आर आई, तो समेशन ऑफ एम आई आर आई फॉर होल सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्लियर है भाई अब तो, अब आगे बढ़ो। चलो आगे आते हैं। अब देखो हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालनी है। पैरेलल क्या मतलब होता है, पैरेलल का देयर आर टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल, तो सपोज मेरे पास एक ये है रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं है, ये COM, तो COM से मैंने एक में एक्सिस को पास कराया, ये वाला एक्सिस, ठीक है, तो दिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, तो इसके अबाउट अगर मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या बन जाएगा, हाँ भाई, अरे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास सर, लेकिन सब ऑब्जेक्ट में सेम होगा क्या, कहीं से भी पास करें, नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ ना, रिंग का कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अरे उसमें एक्सिस भी तुमको अपने डिफाइन करना पड़ता है, कौन सा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले है, तो एक्सिस बहुत सारे होते हैं वो उसी, तो उनमें तो एक ही है, क्यों यार इनटू द प्लेन भी हो सकता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन भी हो सकता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, इतना पता है ना। तो इनफाइनाइट लाइंस मींस इनफाइनाइट एक्सिस, सो आई डोंट नो तुम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हो, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, ओके। सो सपोज ये है मेरे पास में है, अब मुझे तुमसे, तुमने क्वेश्चन में मुझे बोला कि इस एक्सिस के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट में, ये आई इसके अबाउट मुझे फाइंड करना है, तो मैं कहा चलो ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज मैंने बोल दिया डी, एंड ये दोनों जो लाइन है बोथ दीज एक्सिस आर पैरेलल, पैरेलल फाइन, हाँ सही है, ओके, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है डी, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला ये आता है कि आई अबाउट एनी एक्सिस इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू डी स्क्वायर, ठीक है, वेयर आई इज क्या एम ओ आई अबाउट ए एक्सिस, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एम ओ आई अबाउट सी ओ एम, एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन आई सी ओ एम एंड दैट एक्सिस आई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इस चीज को प्रूव कैसे करते हैं वो देखते हैं,
विदाउट प्रूफ हम ना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसके अबाउट में निकालना है। तो सपोज मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक मैंने मास ले लिया, और सपोज इस मास का जो यहां से जो है ना पोजिशन वैक्टर जो है ये मैंने बोल दिया आर आई, और ये मैंने बोल दिया एम आई, ओके। और ये दो दोनों एक्सिस हैं, दीज एक्सिस आर इन इनटू द सेम प्लेन, ओके। चलो अब आते हैं, बताओ क्या होगा आई, हाउ कैन यू थिंक कि किस टाइप से हो सकता है? फॉर्मूला तुमने देखा हुआ, डेरिवेशन कैसे करोगे? मुझे आई के अबाउट में उस पॉइंट ऑफ मास का वो निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे करेंगे? सोचो, सर हमें आईसीओएम, अरे पॉसिबल नहीं, हमको नहीं पता, हमको तुमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि तुमको इस एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट करना है, और इस एक्सिस का सेंटर ऑफ मास में जो एक्सिस है उससे जो हमें डिस्टेंस है वो डी है। सर सेंटर ऑफ मास की उस एक्सिस से भी डिस्टेंस डी है, तो फिर उस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो स्मॉल मासेस है उनका भी समेशन सारे डिस्टेंसेस का डी रहेगा, मतलब डी से रहेगा? नहीं देखो, अब देखो हमको यहां से निकालना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो हमारा ये जो आएगा वेक्टर, ये वेक्टर क्या बनेगा? डी वेक्टर बन जाएगा, है ना। और ये जो लाइंस हैं दोनों, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कैसा बन गया? ये बन गया ना कांस्टेंट बन गया। तो बताओ अब इससे इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा? ये वाला वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो ऊपर वाला जो वेक्टर है वो क्या बन जाएगा? डी वेक्टर प्लस आर आई। यस सर। हाँ भाई अभी हो जाएगा? हाँ भाई हो गया ना, देखो ना वेक्टर एडिशन। अब मुझे बताओ इस एक्सिस से आई एक तुमको मास पता है, और उससे इसका तुमको डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस ये है ना, वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी प्लस क्या आर आई। अब कोई भी एक स्मॉल मास के लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? एक छोटे से मास के लिए मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मैंने लिखा डी आई, ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं आई, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं ना, चलो मान लो इंटीग्रेट भी कर लेंगे, ठीक है। डी आई क्या बन जाएगा? मास कितना है? एम आई, उसका डिस्टेंस का स्क्वायर करना। डिस्टेंस का स्क्वायर हम कैसे करते हैं? सपोज दो वेक्टर हैं, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना, तो कैसे आता है तुमको एक चीज याद है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता था? ए स्क्वायर। अरे ये होता है स्क्वायर ना, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर उसके बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? ए। तो अगर तुम्हें किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे? उन दोनों वेक्टर का डॉट। तो ये बन जाएगा डी वेक्टर प्लस क्या है आर आई वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर। और इन सब का मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है ना, क्योंकि ये तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का है। आई नीड टू फाइंड फॉर द होल सिस्टम। अब इसको ओपन कर डालते हैं, ए डॉट भी ओपन करना आता है, तो ये क्या बन गया डी आई, ओके एम आई। चलो इसको ओपन करो, क्या बनेगा? डी डॉट डी क्या बनेगा? डी डॉट डी डी स्क्वायर, सिंपली अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डी इंटू आर आई क्या बन जाएगा? डी वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर। फिर आर को इससे किया, मुझे पता है कि जब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। मैं इसको भी ले सकता हूं, तो आर आई इनटू क्या? सर टू डी आई आर आई डी आई, ठीक है। प्लस क्या बन जाएगा? आर आई का स्क्वायर।
है ना, आर आई इंटू आर आई। ओके अब कर दो, अब मुझे सिंपली इंटीग्रेशन वाले साइन को मैं अंदर ले आता हूं, तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन एम आई इंटू डी स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा टू एम आई, और आगे क्या बनेगा डी आई इंटू आर आई, नहीं ना डी तो कांस्टेंट है, ये सही है, और इसका भी इंटीग्रेशन प्लस एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, ये है। हाँ भाई बस इंटीग्रेशन साइन को अंदर लेके गया हूं। अरे किसी को डाउट है, टर्म में 2d बाहर आ जाएगा और mi ri का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अराउंड। तो देखो अब ये जो इंटीग्रल जो अपना di है इसको मैंने लिखा i, अब मुझे बताओ जो पहले वाली टर्म है ये टर्म, इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2 और इसको मैंने बोला 3। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस व्हिच इज कांस्टेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है वो भी कांस्टेंट है, मेरे वाला एक्सिस भी कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया इसको बाहर ले लिया डी को, अंदर क्या बचा समेशन ऑफ एम आई प्लस, इसमें आते हैं सेकंड वाले टर्म में। हाँ सर आपको डॉट प्रोडक्ट क्यों किया एक बार भाई, अगर मुझे हमको यहाँ पे क्या चाहिए होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए होता है ना। ओके डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे करता हूं मैं, उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में कर देता हूं ना डॉट प्रोडक्ट। देखो यहां पे लिखा था मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए रहता है, क्या चीज, एक एक्सिस से, एक एक्सिस से किसी एक सिंगल जो पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, लाइन का डिस्टेंस पॉइंट बट वेक्टर क्या डायग्राम से तो सर बट वो वेक्टर तो एंगल पे इंक्लाइन दिखता है। कहां पे सर, नीचे डायग्राम में, कहां पे, यहां पे सर, नहीं सर वो क्वेश्चन, हां इसमें हाँ। डी आई डी वेक्टर प्लस आर, तो मैं तो इसके अबाउट निकाल रहा हूं ना, पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मेरे को निकालना है ना, सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जो कि उस एक्सिस पे है, एंड सेंटर ऑफ मास एंड दोस दैट पॉइंट आर इन सेम लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, तो इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया एस, तो इस पॉइंट से ये सेंटर ऑफ मास को सपोज मैंने बोल दिया ओ, इस पॉइंट से जो मैं जो ये पॉइंट है मतलब एस, इससे मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो आएगा ना उसी का डिस्टेंस, ये वाला जो अपने वेक्टर का डिस्टेंस है, तो यहां पे जो मेरी सेकंड वाली टर्म में देखो टू कांस्टेंट है मेरा, मैं बाहर लेके आ गया है ना, तो बेसिकली अंदर क्या बन जाएगा टू डी एम आई डॉट आर आई, ठीक है। अब बताओ एम आई डॉट मतलब कि जो आर आई है वो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई अभी हमने बोला ना मास इनटू सेंटर ऑफ मास के इसकी के है ना फ्रेम में है ना ये वाला कोऑर्डिनेट, तो उसका समेशन कितना होना चाहिए, जीरो। अब आगे वाला टर्म एम आई इनटू आर आई का स्क्वायर, एम आई मास, आर आई क्या है सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये क्या बन जाएगा एम इनटू डी स्क्वायर। हाँ, ये मेरे पास में थ्योरम बन गई कि किसी भी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे करेंगे, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इससे मैं एक पॉइंट और भी बोल सकता हूं, फॉर एनी सिस्टम आई अबाउट सेंटर ऑफ मास will be minimum, उसके अलावा अगर मैं किसी भी और एक्सिस से निकालूंगा तो वो उसका जो आंसर आएगा वो सेंटर ऑफ मास वाले से बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म उसके अंदर क्या हो रही है एड अप हो रही है,
इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर तुमको चाहे कहते हैं उसका ट्रांसलेशन करवाना है, चाहे उसका कहना रोटेशन करवाना है, तो सेंटर ऑफ मास पे ही फोर्स लगाओ। ओके सर, आपने यहाँ पे एक बार ऊपर फॉर्मूला लिखा था, वो वाला पेज दिखाइए ना। कौन सा? ये? हाँ सर, बस देखो अब इसको एप्लीकेशन, काफी क्वेश्चन हम है ना परपेंडिकुलर एक्सिस से भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे अभी मैं तुमको बोलूं कि सपोज ये मेरे पास ये है ना डिस्क है, नहीं ये सपोज मेरे पास में रिंग है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है, बताओ क्या हमको जो अभी तक के फॉर्मूले आते थे उसके आई वन, तुमसे पूछा बताओ आई वन क्या होगा, क्या तुम जो फॉर्मूले अभी तक आते थे इसको भूल जाओ और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, क्या इसके बिना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते थे? सोचो एक बार, नहीं स्टार्टिंग से याद करो कि क्या कर सकते थे, होगा नहीं होगा, रिंग का थ्योरम को आता एलिमेंट ही नहीं मिल पाता। यस, हमको कोई एलिमेंट ही नहीं मिल पाता, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि हमको कौन से एक्सिस के अबाउट में पता है, हमको इसके अबाउट में पता है ये वाला एक्सिस, ये इसके ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसके बॉट में कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू होता है? यस सर, यस सर। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर? तो मैं लिख सकता हूं ना कि आई जो वन है वो क्या बन जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इनटू डी स्क्वायर। नाउ आई कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम बिकॉज दीज टू लाइन आर पैरेलल, सो आई विल से व्हाट इज मतलब आई सी यू एम एम आर स्क्वायर बाई टू, और इसके अबाउट कितना हो गया एम आर स्क्वायर, तो आई वन कितना बन जाएगा थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल ना हो तो कौन सा थ्योरम लगा दे? नहीं तो फिर हमें इसको नहीं लगा सकते फिर, लेकिन भाई मैं तो एक ऐसा एक्सिस फाइंड करूंगा जिसके अबाउट मेरे को पता है, एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड आउट विद अनदर एक्सिस। ओके सर। ओके, अब जैसे तुमको मैंने ये दे दिया, एक मेरे पास में सेमी रिंग है, मास एम रेडियस आर, ठीक है, इसका इस एक्सिस के अबाउट में बताओ कितना होगा, ये पॉइंट ओ है, तो मैंने बोला आई ओ, बताओ आई ओ टू बद्री है। हाँ सर, ये रिंग है ना? हाँ रिंग है, रिंग सेमी रिंग। अरे बताया था ये मैंने, अरे एम आर स्क्वायर बाई टू ही तो होगा, अरे यार एम आर स्क्वायर बाई टू ही तो होगा, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा तो ऊपर वाले पार्ट का और है ना नीचे वाले पार्ट का इक्वल होना चाहिए। अरे हाँ, हर हर देखो ना, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो कितना मास हो जाएगा इसका पूरा, अरे टू एम, और फिर ये हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं डायग्राम बन गया, ठीक है। अगर सपोज इसका का जो 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 अपना वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सपोज इसका जो है उसको सपोज मैंने बोल दिया आई, तो अगर मैं एक और रिंग यहाँ पे बना दो पूरा एकदम आइडेंटिकल, तो इसका भी कितना होगा, आई होगा ना, दोनों आइडेंटिकल तो है, दोनों यार एकदम आइडेंटिकल है,
तो इसका मास m है, इसका मास भी क्या बन जाएगा m r। अब बताओ कंप्लीट बन गई ना रिंग मेरी, तो कंप्लीट जो रिंग है उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i प्लस i, ठीक है, तो 2m तो मास हो गया r स्क्वायर बाय 2। अरे यार सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है इन द सेम प्लेन, होगा ना। तो यहां से i की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम आर स्क्वायर बाय मास कर ले तो वही तो सेम होगा। तो चाहे तुम नीचे वाले पार्ट को रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम नीचे वाले पार्ट को लगाओगे तुम्हारा जो मास है वो भी तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा। तो अगर मैं इतने से पार्ट की बात करूं, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई आई अबाउट ओ एम आर स्क्वायर बाई टू होगा। अब मुझे बताओ फाइंड आई अबाउट सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू आई नॉट, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस विच इज पैरेलल टू दिस येलो लाइन, बताओ उसके अबाउट में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो मैं सबसे पहले अपना एक्सिस बनाऊंगा, तो मैंने अपना एक्सिस बनाया, तो मतलब मुझे किसके अबाउट निकालना है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट में, और इस एक्सिस का यहाँ से कितना डिस्टेंस है 2r by pi, इसके अबाउट कितना होगा i about cm। अब बताओ हमारी इक्वेशन क्या बोलती है, आई ओ क्या होना चाहिए, आई ओ होना चाहिए आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2r by पाई का स्क्वायर। अब मुझे आई नॉट पता है, क्या है आई नॉट एम आर स्क्वायर बाई टू, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एम फोर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर दैट विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता ही हो, कभी कभी मैं फाइंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर, ओके, चलो और करो। एक स्क्वायर शीट है, ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट में निकालना है यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। निकालोगे, पिछली बार हमने कैसे निकाला था, परपेंडिकुलर एक्सिस से और निकाला था ना। हाँ भाई याद है, अभी थोड़ी देर पहले। अब मुझे निकालना है पैरेलल एक्सिस से निकालना है, तो बताओ पैरेलल एक्सिस के लिए मुझे किसके अबाउट पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्या आया था आंसर, m square by 6, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है a by root 2, इसके अबाउट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा m square by 6 plus mass into distance का square a square by 2, तो this is i, देखो आंसर सेम आएगा, चाहे तुम इससे करो या उससे करो। ठीक है, चलो क्या कहते, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, रॉड, इसके अबाउट कितना होता है, ये रॉड है एम एल, इसके अबाउट में कितना आया था, इसको मैंने बोला I1 आया था एम एल स्क्वायर बाई 3, और इसके अबाउट कितना आया था सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एम स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट में आया था एम एल स्क्वायर बाई 12, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एल बाई 2। प्रूव कर सकते हो कि जो आई वन है वो एम एल स्क्वायर बाई 3 ही होगा, यस आई कैन डू, तो मैं बोलूंगा कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एल बाई 2 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू आई वन, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम
एल स्क्वायर बाय फोर शुड बी इक्वल टू आई वन, कैलकुलेट करोगे तो आई वन की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय थ्री ही आएगी. फाइन. तो ये सारे जो अब पहले हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिए थे, अगर मैं तुमको पहले ही दिन ये थ्योरम मैंने बता देता तो तुम्हारे लिए आसान हो जाती चीजें. लेकिन हमको आना चाहिए, हमको पुराने वाला मेथड भी आना चाहिए. जैसे अगर मैं बोलूं कि एक रॉड है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट में कितना होगा आई एम एल, और यहां से यहां का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है एल बाई सिक्स. बताओ ml square by 9. ml square by 9. 9. Yes, yeah. Okay. तो मैं लिखूंगा कि i क्या होना चाहिए, i about center of mass plus m into d square. i about center of mass कितना हो जाएगा ml square by 12 plus इनके बीच का डिस्टेंस कितना है l by 6 का square. तो ml square कॉमन ले लिया, 1 by 12 plus 1 by 36, तो बन जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 9. और जैसे मान लो तुम्हारे पास में स्फेयर है, होलो स्फेयर. सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए, एक सेकेंड. ये हाँ सर, नीचे थोड़ा. हाँ सर, तुमको बोला गया है कि स्फेयर के सरफेस से पास होने वाला कोई भी एक्सिस के अबाउट में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट में. बताओ बताओ आई वन क्या होगा. आई वन तो देखो भाई, हमको नहीं पता, हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, बट मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है. ये होता है सेंटर ऑफ मास. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इसमें कितना आता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर. तो मैं लगाऊंगा कि आई इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सो इट विल बिकम m 2/3 mr square plus mr square, so 5/3 mr square. अगर यही स्फेयर तुम्हारा वो होता सॉलिड होता फिर क्या करते, 7/5 mr square, 7/5 हो जाता. चलो एक क्वेश्चन जो कि दो साल पहले एग्जाम में आया था, चलो वो करोगे सब समझ में आ जाएगा. ये हमारे पास में एक रिंग है, मास m रेडियस r, ठीक है. ओके, एक दो तीन चार पांच छह, छह रिंग और लगा रखी है साइड में, सबका मास m लेंथ r, ठीक है. मुझे इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है, ये जो एक्सिस है ना इसके अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ओ पॉइंट, और ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. रिंग्स मास एम रेडियस आर, फाइंड आई अबाउट ओ, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ऑल रिंग्स. ये एग्जाम में आया हुआ है, जेई मेन में आया था. सर एक्सिस नहीं समझा कैसा है. अरे ये सब एक इसमें है, प्लेन में है सारे के साइजेस, जैसे सपोज तुम्हारे फ्लोर पे रखे हुए हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं.
एक्सिस नहीं, उसके उसके सर्कल से बाहर बाहर नहीं ना, सर्कमफेरेंस पे है उधर, हाँ उसके अब सर्कमफेरेंस पे, ये यहाँ पे ये, मतलब सारे जो रिंग हैं उनको अन फ्लोर पे रखा हुआ है और एक ऐसा एक्सिस जो कि जो फ्लोर के परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो सबको तुमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है और तुमको निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट, और जो जो जेड एक्सिस है वो कहाँ पास हो रहा है, उस वाले सेंटर ऑफ मास से नहीं हो रहा ना यार, ये यहाँ से पास हो रहा है, अच्छा वो से पास हो रहा है, ओके हाँ सेंटर ऑफ मास से कहाँ पे आएगा इसका, यहाँ आएगा ना, सिमेट्री से बोल सकते हो, चलो बताओ इसका आंसर फटाफट, आराम से सोचो करो, जेई का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये तुम्हारे आया था 2017 या 18 में आया था, 70 mR² है नहीं इतना, मतलब इतना अच्छा खासा आंसर नहीं है, सब लोग अपना आंसर इसमें लिखो चैट में, लेवियत नेशन ये कौन है, हाँ भाई लेवियत नेशन क्यों, तो ऐसे काम क्यों करता है, ऐसा नाम क्यों रखा, चलो आंसर बताओ, sir 99 mR² / 2 नहीं है, यू आर क्लोज सर, सिर्फ mR² है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, हाँ फिर भी नहीं है, रॉन्ग, तो पहले बताओ कि क्या लगाओगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे, सर 91 है क्या, मतलब 91 है मार्क में, नहीं 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 नहीं, तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई ये तो तुमको आइडिया लग गया कि मुझे जैसे मान लो ये कुछ ऐसा कुछ है ना प्लेन है जिसके अंदर ये रिंग ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और मुझे अगर इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है तो पहले मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पता होना चाहिए, एकदम सेंटर के थ्रू निकाल सकते हैं और फिर एंडिंग में, यस यस, तो वेट वेट वेट, पहले हम निकालते हैं आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास है कितने रिंग्स का सेंटर ऑफ मास है, वो 7 रिंग का सेंटर ऑफ मास है, तो चलो देखते हैं, पहली रिंग मैंने ये बोल दी, ये पहली रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, तो पहले तो मुझे 7 की 7 जो रिंग है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो पहली जो रिंग है द फर्स्ट रिंग, फॉर द फर्स्ट रिंग द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो क्या आएगा एम आर स्क्वायर, यस भाई, एक रिंग है जिसके सेंटर से पास हो रहा है और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, सही है,
यस ओके अब रिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे कैसे आइडेंटिकल हैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं करूंगा प्लस 6 और किसी एक का लिख देता हूं बस क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल ही है ना तो देखो अब मुझे इसके सेंटर ऑफ मास से लिखा इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में कितना होगा एम आर स्क्वायर और उसके सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना है 2r तो m इनटू 2r का होल स्क्वायर 94 आएगा ना नहीं तो बताओ इतना समझ में आया भाई जो भी ये तुम्हारी जो अंदर वाली रिंग है इसके सेंटर ऑफ मास पे मैं बैठा हूं और मुझे बाहर वाली किसी भी रिंग का निकालना है तो जो बाहर वाली जो रिंग है सपोज मैंने इस रिंग को ले लिया नंबर 6 को ठीक है तो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसके अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर और मुझे तो इसके अबाउट निकालना था ना तो इन दोनों के बीच में क्या लगाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2r तो 2r का स्क्वायर तो अब कैलकुलेट करो कितना आएगा mr स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4, 5, 30 सर 30 mr स्क्वायर तो टोटल कितना बन गया 31 31 mr स्क्वायर तो ये तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमको क्या निकालना है आई अबाउट ओ तो आई अबाउट ओ क्या बन जाएगा आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है 31 एम आर स्क्वायर प्लस एम टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना बन गया सर 7m तो 7m अब देखो इस एक्सिस का वो कितना है डिस्टेंस कितना है यहां से सर 3r 3r यस ठीक है तो 3r का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 31 mr स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 9 into 7 सर 63 mr स्क्वायर तो ये टोटल कितना बन जाएगा तो 94 mr स्क्वायर विल बी द आंसर सर आप सेंटर ऑफ मास वाले वापस बताओ यार सेंटर ऑफ मास में क्या निकालना है रिंग्स है ना यार तो देखो एक रिंग यहाँ रखी हुई है इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है ना तो बताओ ये रिंग है मेरे पास में ए तो आई और इस एक्सिस को मैंने बोल दिया ओ आई ओ आई ओ ऑफ रिंग ए बताओ क्या आएगा एक रिंग है जिसका मास एम रेडियस आर क्या होता है स्क्वायर एम आर स्क्वायर अब इसके बाजू में एक और रिंग है ऐसे इस इसका रिंग का सेंटर यहाँ पे है इसको रिंग को मैंने बोला मुझे इसी के बाद मुझे निकालना है आई अबाउट ओ ऑफ कौन सा रिंग बी अब मुझे बी का इसके अबाउट में निकालना है कैसे निकालूं पहले मुझे इस लाइन के अबाउट तो पता है कितना होता है एम आर स्क्वायर और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2r तो आई अबाउट ओ ऑफ रिंग बी क्या बन जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम इनटू 2r का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 5mr स्क्वायर और ऐसे मेरे पास कितने रिंग हैं 6 है ना देखो उसके बाजू में तो इसको इनटू 6 कर दिया ना क्योंकि 6 के 6 आइडेंटिकल हैं हां सर समझ तो इसको मैंने इनटू 6 कर दिया तो मेरे पास नंबर आ गया 31 लेकिन यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि मुझे इसके अबाउट नहीं निकालना था मुझे तो बाहर वाले के अबाउट निकालना था यहां तो फिर मैंने फिर से लगा दिया अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर है ना रिंग नहीं थी उसमें थी है डिस्क तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया था तो फर्क नहीं पड़ता है जो भी हो ओके चाहे रिंग हो डिस्क हो स्फीयर हो क्या फर्क पड़ता है फॉर्मूला तो सेम है ओके यस चलो और बताओ जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं देयर आर 4 स्फीयर
Four solid sphere, mass m, radius r. Okay, fine. I about center of mass. कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का? पहले तो ये बताओ। बीच में। एकदम बीच में। अगर आइडेंटिटी करने तो। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बना दूँ फिर से थोड़ा अच्छा सा यार। डायग्राम ही अच्छा नहीं बनता है। सर पर परपेंडिकुलर एक्सिस है। हाँ हाँ रुको अभी स्पेसिफाई करता हूँ। सर शेप्स हैं। स्फेयर सॉलिड स्फेयर एक बॉल यहाँ रखी हुई थी एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है उसके कांटेक्ट में थर्ड बॉल यहाँ रखी हुई है और फोर्थ बॉल यहाँ रखी हुई है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा ना तो इस एक्सिस के अबाउट में परपेंडिकुलर टू वो लाइन किसी के अंदर से पास आउट नहीं हो रही है तो क्या होगा आई अबाउट ओ जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया चलो करो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है सर 8 mr स्क्वायर सर 88 mr स्क्वायर बाय 5 है क्या देखो उसका आंसर एकदम अलग आ गया इसका अलग आ गया सर 48 mr स्क्वायर बाय 5 ओके 48 ओके और कोई बताओ बताओ तो पहले देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे निकालना है तो मैं सिंपली करता हूँ कि 4 into I of सपोज इसको A बोल दिया इसको B बोल दिया इसको C बोल दिया इसको D बोल दिया I of किसी एक स्फीयर का किसी भी एक का निकाल लेते हैं यार कहानी खत्म राइट मुझे इस एक्सिस के वोट में निकालना है अब मुझे पता है कौन सा लगा सको एक तो स्फीयर है तो अपना कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पर हम तो लगेगा नहीं तो कौन सा लगेगा पैरेलल एक्सिस पैरेलल तो पैरेलल मैंने लगाया तो ये लो पैरेलल के लिए मुझे इसके अबाउट ना पता होना चाहिए आई ये वाला तो ये जो आई है ये कितना होगा 2/5 एमआर स्क्वायर अब मुझे इनके बीच का ये पता होना चाहिए डिस्टेंस पता होना चाहिए किससे निकालेंगे डिस्टेंस मुझे पता है यहां से यहां का डिस्टेंस √2r नहीं होगा ये डिस्टेंस 2r यहां से यहां का डिस्टेंस r/√2 तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा r/√2 मतलब बताओ ना कितना होगा डिस्टेंस 2r तो कितना होगा 2√2 तो वो कितना बन जाएगा √2r यार तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है सर यही तो बोला था अच्छा ठीक है गुड तो अब अगर मैं निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 4 × 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इनटू डिस्टेंस कितना है √2r का स्क्वायर सो इट विल बिकम 4 × 2/5 प्लस 2 × एम आर स्क्वायर तो क्या आएगा 12 48 by 5
mr स्क्वायर भाई इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तुमने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे पैरेलल एक्सिसोरम परपेंडिकुलर एक्सिसोरम लगाओ और आंसर आ जाएगा तो तुमको इनकी प्रैक्टिस तो करनी ही है जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा और ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनेंगे जब तुम्हारे पास वो करोगे सुपरपोजिशन जो अभी किसी ने बोला था कि सर और नेगेटिव मास वाला जब वो आएगा तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन और भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी ठीक है बताओ किसी को पूछना है कुछ डाउट एनी डाउट इन दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब आएंगे शायद सॉल्व करने के बाद हाँ तो नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन उसके अंदर उनको छोड़ देना वो जो होते हैं ना नेगेटिव मास वाले उनको छोड़ देना लेकिन थ्योरम को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए और जो अपना अगले वाला लेक्चर होगा कब है अपना थर्सडे को है ना थर्सडे या फिर शायद वेंसडे को तो उसके अंदर हम सिर्फ करेंगे रिवीजन तो जिस जिस टॉपिक में तुमको क्वेश्चन में डाउट्स हो वो अपने है ना करके लाना नोट डाउन करके लाना तो अपन उन टॉपिक्स का फास्ट है ना रिवीजन कर लेंगे छोटे से एक दो क्वेश्चन करवा के उसको रिवाइज करा दूंगा तब तक इसको अच्छे से हो गया रटो सॉल्व करो क्वेश्चन को ठीक है चलो बाय बाय थैंक यू थैंक यू